सोमवार की रात दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। दरअसल ये बस पुलिस पार्टी और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ के बीच आ गई और इसमें 7 यात्री मारे गए। यात्रियों से भरी बस गुजरात में रजिस्टर्ड थी। बस में 40 यात्री सवार थे। मारे गए 7 यात्रियों में 5 गुजरात के और 2 महाराष्ट्र के हैं। करीब 15 यात्री जख्मी भी हुए, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। ज्यादातर यात्रियों की हालत स्थिर बनी हुई है। फायरिंग के बीच सलीम चलाते रहे बस। आतंकी अपने मंसूबों में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। आतंकियों के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में सलीम की अहम भूमिका रही। जिस बस पर आतंकियों ने हमला किया, उस बस को सलीम चला रहे थे। सलीम ने गोलियों की बौछार के बीच बस नहीं रोकी और बस को आतंकियों की पहुंच से दूर ले जाने में कामयाब रहे। अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस में 56 यात्री सवार थे। अगर आतंकी बस में चढ़ने में कामयाब हो जाते तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। इस हमले के बाद सलीम ने बताया, उस दिन तो मालिक ने उसकी मदद की। मालिक की मर्जी थी बचाना, इसलिए वो गाड़ी लेकर चल पड़ा। अचानक से रात को करीब 8 बजे से पहले सामने से फायरिंग हुई, फिर हद से ज्यादा फायरिंग होने लगी। सलीम का कहना है कि जिन आतंकियों ने ये हमला किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पीएम ने की हमले की निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे कायराना हमला बताया और कहा कि इस तरह के हमलों से आतंकवाद को खत्म करने के भारत के इरादों को कोई टिका नहीं सकता। हमले में लश्कर ए तैयबा का नाम आ रहा सामने। हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का नाम सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी इस्माइल ने इस हमले की साजिश की। माना जा रहा है कि लश्कर का आतंकी इस्माइल ही इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।